हम चल चुके हैं ट्रिप पे, वो देख रहा हूँ ऊपर, हाँ वही वही है गुलमर्ग, और वहीं जाना है हमें, बहुत ठंड है। तुम्हारी किस्मत नहीं है बेटा, तुम्हें स्नोफॉल देखने को नहीं मिली ना भी, मैं ना टेम्परेचर चला जाए, ये पानी कभी फ्रीज नहीं है। और वहाँ पे एक वाटरफॉल है जो कि पूरी जमी हुई है, वहाँ भी जाएंगे। फ्लाइट छूट जाएगी, चलो सुबह की फ्लाइट बुरी होती है ना, सिर्फ कपड़े पहनने। चलो उठ जाओ, पक्का पक्का प्रॉमिस, 5 मिनट। अरे आने वाले हैं भैया, बाकी भी आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, निकल चुके घर से। बंद करो इसको, फिर मैं लगेज नीचे उतार दूंगा। चलो बंद करो, बाय मम्मी, बाय। अरे यू क्या घड़ी ये देखा? अरे यार कल शायद भी ये पूछ रही थी कि तुम ये कब लेकर, ये मेरी पुरानी है भैया, जच रहा कर पहनी तो आ जाए, पहनी आ जाए शायद, अपने पुरानी है मेरी, कम से कम 2 साल पुरानी, ऐसे के पीछे पड़े हो। कल से कह रही कसम खाओ कसम खाओ कसम खाओ, मतलब यार आदमी एक नई क्या ले ले, बीवी को डरते रहते, मुझे तो नहीं पता आपके पास क्या कपड़े क्या नहीं है। शायद मेरी मैंने एक जगह ये मैंने अभी ली है, 5 फिल्म की शादी से एक दिन पहले ली थी। आई एम गोना मिस यू, बाय बाय मेरे बच्चा, चले अच्छे से मिलेंगे अभी, गलत टाइम, ओके बाय माजी, चलो ठीक है। रात को ट्रिप पे निकल रहे हैं, कहाँ कब कैसे क्यों वो आपको, अरे नहीं यार रुक जाओ, बैग टाइट हो रखा है, पेटू वेटू कुछ नहीं है, पेट आ गया, बहुत खाया फहीम की शादी में, पीछे फहीम है, रुखसा रहे मैं और शाह हैं, हम चल चुके हैं ट्रिप पे, सुबह सुबह निकल रहे हैं अंधेरी रात में, अभी एयरपोर्ट पहुंच के आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बाकी टाइटल में भी आपको देखने को मिल ही जाएगा, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, चलते हैं जल्दी से स्पीड से। सुबह कौन ऐसा बंदा जो सुबह 5 बजे उठ के पिज्जा खाता है, हम सारे, क्योंकि मैं सोया ही नहीं हूँ रात भर बारिश की वजह से। ये रहा भैया, ये रहा 11, ये आगे आगे। ये 2 सीट तुम्हारी है, हम श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं, हमारे कैब ड्राइवर वाले भैया हमें पिक करने आए हैं। आज का जो हमारा स्टे है वो है मरीना गुलमर्ग के पास शायद, हाँ ठंड बहुत ज़्यादा है सच में, हाँ धुआं निकलने लग गया, लोग मनाली जाते हैं, बर्फ देख रहे हैं ना, इतनी बर्फ एयरपोर्ट पे ही पड़ी है, ये सब मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, ऐसा हाँ यार मनाली में इतनी बर्फ, ये दोनों इधर आओ ना, फहीम हो व्लॉगर्स, न्यू व्लॉगर्स, अरे देख के तुम्हारे व्लॉगिंग के चक्कर में लपेटा हो जाएगा। फाइनली वी आर एट कश्मीर, 4th टाइम मेरा, शायद का 2nd टाइम, तो भाई इस बार ही मैंने इतनी बर्फ देखी कि मुझे एयरपोर्ट पे ही एकदम ज़्यादा इतनी बर्फ दिखी जितनी कि मनाली या आप जाओगे ना कहीं और, उतनी बर्फ आपको एयरपोर्ट पर मिली हुई है, और इतनी ज़्यादा थकान थी, मैं ये लगा लो गाड़ी में बैठा, वो फ्लाइट में बैठा और बैठ से ही सो गया, जब लैंड हुई है उसके बाद ही मैं उठा। अब हमारा क्या है कि इस वक्त पूरा पीक सीज़न है कश्मीर का, बिल्कुल पीक सीज़न जो होता है इसका, वो इस वक्त जैन या दिसंबर में होता है, और बहुत भीड़ है, तो गुलमर्ग में हमें स्टे नहीं मिला था, हमें ड्रांग में स्टे मिला है, बहुत सुंदर स्टे है, पर अब कुछ ऐसा डिसाइड हो रहा है कि हम चेक इन रात बाद में करें शाम में, पहले हम जाके गुलमर्ग घुमाएं, ड्रांग और गुलमर्ग 15 किलोमीटर गैप पे, और गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कल नहीं हो पाएगा तो आज ही करना पड़ेगा, दिन कम है और घूमने में ज़्यादा है, मज़ा आने वाला है, दोबारा से पुरानी यादें ताज़ा हो गई। भाई साहब ये सामने जो आप देख रहे हो उस वक्त गुलमर्ग है, ये पूरी स्नो हर जगह ही है, बढ़िया। अब हमें ऊपर जाने के लिए कार चाहिए, चेंड कार, ये हमारी जो कैब है ये नहीं जा पाएगी, अब हमें चेंड कार चाहिए, उसके लिए बात करनी है। 4x4 स्कॉर्पियो जी, चलो यही जाएगी, चलो ठीक है। गुलमर्ग में इतनी ज्यादा बर्फ है कि अब हमें यहाँ से गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, 4x4 मतलब चारों टायर जिसके चलते हैं 4x4, वो गाड़ी पिक में हमने चेंज किया, अब हमें वो जो हमारे भैया हैं वो हमारे साथ देने,
अब वो हमें कल मिलेंगे, अब हमारे साथ ये वाले भैया जुड़े हैं और यही हमें अब कल सुबह तक वापस यही ड्रॉप करेंगे। अभी हमें यहाँ पे स्नो ड्रेस गम बूट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ है। ये देखो बर्फ, वो देख रहे हो ऊपर, हाँ वही है गुलमर्ग, और वहीं जाना है हमें। बहुत ठंड है, बहुत भयंकर ठंड है। पहने घर से खाली एक सिंगल उड़ाया था पर अब निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। फाइनली हमने अपने स्नो बूट्स गम बूट्स और ऊपर ये अपर्स ले लिए सबके, सबने अपर्स पहन लिए। बढ़िया ठंड, सोचो यहाँ कितनी ऊपर कितनी होगी, अभी तो ऊपर जाना है पहाड़ पे। सुनोगे ना, मैंने ग्लव्स लिए, मैं लाना भूल गया, छोटे ग्लव्स हैं पर कैसे तैसे फंसा लिए, सबने ले लिए, सब भूत बने हुए हैं यहाँ पे। गुलमर्ग यहाँ आते हैं ना आप, कितने अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, एट लास्ट आपको पहनने यही होते हैं इनके सड़े हुए से पर, और ये गमबूट, और ये जब फोटोशूट कराना है तो उसको उतार लो, यही कर सकते हो। और अपने कपड़े पहन के जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, बर्फ में पूरे गीले हो जाओगे और इन्जॉय नहीं कर पाओगे, तो ये लेने ही चाहिए मुझे लगता है यहाँ पर। अब ये फटे कटे कुछ भी हो, साफ कहते हैं ये आपको कुछ नहीं, आप इनका 150 रुपये किराया दो और अपना खुश रहो, इन्जॉय करो। टोटल मिला के ये बैठता है 400 रुपये का गम अपर और जूते मिला के। बार्गेन करना चाहो तो आप कर सकते हो। डबल डबल सॉक्स, ट्रिपल ट्रिपल सॉक्स हैं, तुमने लेदर सॉक्स भी खरीदी अभी सब कुछ यार। चलो चले, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो गुलमर्ग टनमर्ग के बाद गुलमर्ग की चढ़ाई आती है ना, वो इतनी खूबसूरत है, तो गुलमर्ग का सबके हाल हो रहा होगा यार। ये जो आप व्यू देखते आ रहे हो ना, ये सारा का सारा रास्ते का है जहाँ पे दिसंबर या उससे पहले बर्फ होती भी नहीं है, और वो इस वक्त बिल्कुल नार्निया लग रहा है। मेरे को एक मूवी आई थी नार्निया जो पूरी बर्फ से ढकी होती है, और वो सच में लिटरली सामने से मैं देख रहा हूँ, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, पर है सच में ब्यूटीफुल। यहाँ पे फर्स्ट कमर कौन कौन है, बर्फ पहली बार किस किस में देखी है? मैंने तो देखी है, बर्फ देखी, लेकिन मनाली की देखी है ना, कश्मीर की देखी है। मनाली तो भैया कुछ नहीं है, वो 200 मीटर में खत्म है वो तो, उसका नहीं है, लेकिन यहाँ वाला जो है ना मूवी देख रही है, दृश्यम 2 का एंड कर रही है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अल्टीमेट नजारा यहाँ का, मतलब मुझे पता चलो भाई क्या क्या सीख रहे हो, कावा पुराना कावा हेल्थ के लिए अच्छा है, विंटर में हम ज्यादा पीते हैं। एक तो क्या है कि जुकाम खांसी जो है ना इससे जल्दी ठीक होता है, सारे ड्राई फ्रूट होते हैं, बढ़िया होता है कावा। नया जोड़ा आ जाओ भैया, आ जाओ नया जोड़ा, जल्दी आओ पीछे से देख के, पीछे देख के। हो ये गमबूट पहन के ना पैरों में दर्द तो बड़ा होता है यार, हल्की हल्की धूप है, ठंड भी बहुत है, मेरे पैर बड़े है ना, इतना बड़ा इंसान देखा है, इतना बड़ा इंसान मेरे जूते नहीं मिल रहे थे, मेरे मुंह चॉकलेट है। यहाँ पर हर जगह चॉकलेट मिलती है, हर तरह के चॉकलेट मिलती है जो आप सोचते हो। मेरे जूते नहीं मिल रहे थे तो थोड़ा सा छोटा टाइट पहनना पड़ा, मुझे पता है मेरी वाट लगने वाली इन जूतों में, पर क्या करें, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, इतनी हाइट में देखने में बहुत अच्छी लगती है हाइट, मेरे से पूछो क्या कॉम्प्रोमाइज है, मेरे पैर अभी दर्द करने लग गए कि रबड़ के बूटे टाइट होने लग गए हैं। बैठो बैठो, चलो चलो बैठ गए। आते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। मैंने अभी घुटने तक पैर डाल दिया था इसके अंदर, मेरे जूते में बर्फ चली गई, मेरा खुद पैर फिसल गया, और ये इतना चिकना हो रहा है ना, मजा आ रहा है, फिसल जा तब घुटने फूट जाते हैं। तुम्हारी किस्मत नहीं है बेटा, तुम्हें स्नोफॉल देखने को नहीं मिली, यहाँ लाइव स्नोफॉल तो यही मिलेगी ना, यहाँ पे 7 दिन पहले हुई थी और अब कल होगी, पर कल हम गुलमर्ग में तो होंगे नहीं। एक पे एक बैठता है, एक पे एक बैठेगा भैया, खींचेगा कौन, अगर आपको फोटो वीडियो के लिए दो को बिठा सकते, नहीं नहीं अलग अलग जाओ, कंफर्टेबली जाओगे भाई, तुम्हें लग रहा है बहुत आसान है ये, ऐसे नहीं उधर मुँह करके भाई, मैंने और शाह ने यहाँ पे सारी एक्टिविटीज और सब कुछ कर रखा है, इसलिए इस बार हम नहीं कर रहे, हम खाली इनको देख के एंजॉय करेंगे। इस वक्त नया जो हमारा जोड़ा है ये जा रहा है, ठीक है रुखसार, बेस्ट ऑफ लक, फहीम और रुखसार चले गए राइट पे। यार मेरे को तो बर्फ बस देखनी अच्छी लगती है, हाँ। खेलना खेलना मेरे को सच में पसंद नहीं। लास्ट टाइम हमने इतना ज्यादा सारा कुछ कर लिया था, आपने व्लॉग्स देखे थे लास्ट कश्मीर के, इस बार बिल्कुल मन नहीं है, और इस बार धूप बहुत ज्यादा है, पिछली बार धूप नहीं थी तो धूप चुभ रही है,
एक बड़ी अच्छी चीज मिली। रुक जा अरे मेरी माँ, रुक जा, बताओ भैया क्या कह रहे हो? ये सेवन स्प्रिंग है सर। हाँ जी, कितना भी माइनस टेम्परेचर चला जाए ये पानी कभी फ्रीज नहीं होगा। जहाँ हर जगह पूरा बर्फ लग जाए पर यहाँ बर्फ नहीं होगी। बर्फ नहीं, ये कुदरत का करिश्मा है। हाँ, कुदरत का करिश्मा है, इसके चारों ओर बर्फ रहती है, पानी ऐसा ही रहता है, कभी फ्रीज नहीं होता है। कितना भी माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे, ये कहना है, लोगों का ये कहना है कोई विश अगर हो इसीलिए ये सिक्के जो इसमें है वो डालते हैं। नहीं यार, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, तो धन्यवाद ही करना है, खाली मांगना कुछ नहीं है। ऊपर वाले का बस थैंक यू है कि उसने दिया सब कुछ, जितना दिया बहुत है। ओ भाई, सुबह से अब तक हमने कुछ खाया नहीं, सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना कश्मीरी ट्रैक किया जाए, तो वो है क्या, कश्मीरी चिकन। यहाँ पे सबने अपने अपनी डिश ऑर्डर की हुई है, सब कुछ क्या पुलाव, अपना चिकन पुलाव, चिकन कश्मीरी चिकन, चले। लास्ट टाइम जब यहाँ पे खाया था बहुत टेस्टी था, अब टेस्ट करके बताएंगे। यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है यादें ताज़ा होती जा रही है हमारी पुरानी, हम उन्हीं उसी को देखे खुश है, इसलिए हम कोई एक्टिविटी हम नहीं कर रहे हैं, फाइम वगैरह कर रहे हैं और रुखसार कर रही है। इंजॉय हो रहा है, इंजॉयमेंट आ रहा है, थकान ज्यादा है ना, आइस बर्फ से थकान होती है ना। अब जैसे जैसे धूप कम हो रही है ना, ठंड ऐसा लग रहा है बढ़ती जा रही है। सच में अब तक ठंड नहीं लगी थी, अब मुझे थोड़ी जल्दी ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है। कि मैंने जैकेट निकाली, शायद मैंने शूट किया, उसकी इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट मिलेगी, लिंक इसमें जाके फॉलो कर सकते हो। बाकी रुखसार और फहीम की हम जेट स्की जो होती है ये वाली राइड करवा रहे हैं, क्योंकि देखो अपना मजा हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना। ये जेट स्की राइड है, पूरा ऐसे राउंड लग के आता है, वो दोनों गए हुए कभी भी आते होंगे, इतने हमने अपना फोटो शूट करा लिया। ठीक है, बहुत रील बना दी मैंने तुम्हारी, पर अब ये कह रहा हूँ कि कपड़े झाड़ो नहीं तो ये गीले हो जाएंगे, और तू अपना मफलर झाड़, अभी बहुत दूर जाओ। अरे अरे अरे, आराम से आराम से आराम से। कैसा रहा कुलमर्ग, किसी से हालत टाइट हुई? मेरी सबसे ज्यादा फेम की भी कैसी लगी बर्फ? बर्फ मजा बहुत आया, मजा बहुत आया, बहुत। बर्फ है भी खतरनाक ना, बहुत ज्यादा जितनी खूबसूरत हर चीज़ है फायदे और नुकसान। बाकी अब होटल जाना है, बीच में दो तीन साइड सीन की और हम नहीं करना चाहते, थके हुए हैं, अब जाके थोड़ी देर पावर नैप लेनी है खुल के, बहुत थकान हो रही है। चलते हैं होटल, वो भी बहुत अच्छी जगह है, और वहाँ पे एक वाटरफॉल है जो कि पूरी जमी हुई है, वहाँ भी जाएंगे। तो फाइनली वी हैव चेक्ड इन आवर फर्स्ट स्टे, जो कि है मरीना होटल ना। रूम्स बहुत सुंदर हैं, ये वॉशरूम है, वॉशरूम बल्कि बहुत सुंदर है, वॉशरूम भी, और व्यू दिखाता हूँ आपको जो मेन है। अब व्यू देखिए, व्यू देख रहे हो, मतलब गुलमर्ग के अंदर ना बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होटल्स हैं, बहुत लिमिटेड होटल्स हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत मुश्किल से स्टे मिल पाता है। तो ये ड्रांग है, ड्रांग नाम है शायद इस लोकेशन का, तो ये भी बिल्कुल गुलमर्ग की तरह है, लिमिटेड होटल्स है, फैसिलिटीज लिमिटेड है, पर फिर भी हमें अच्छा खासा होटल और व्यू मिला। वहां पे एक लेक है, वहां पे एक वाटरफॉल है जो कि जम चुकी है गिरते गिरते, तो वो हम देखने जाएंगे बाय वॉकिंग डिस्टेंस है सामने बिल्कुल ही, अभी यहाँ से दिख रही पर वहाँ पे वो ऊपर है वहाँ जाके। तो वेलकम टू, तो सो गए डेड हो गए, अपने कमरे में जाके सो गए, अलग कमरा मिला हुआ है तेरे को, तभी थोड़े से पावर नैप लेके फिर मिलता आप लोगों से। A few moments later, नहीं अभी नहीं है, अभी तो मैंने 6-7 है, नहीं तुमने कैसे पता? बाहर का टेम्परेचर चेक किया। अच्छा चलो, और हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, ऐसे ये जो कॉटेज बने हुए हैं, एग्जैक्टली होटल है, होटल यहाँ पे ऐसे बने होते हैं, वहाँ रुकते सीधा। चलो बुफे लगा हुआ चले। ओके, तो आज मेन्यू है नॉन वेज, पनीर, आलू गोभी, दाल, रोटी, राइस, सब कुछ है। जब भी आप कश्मीर की ट्रिप पर आते हैं ना, तो जो आप पैकेज देते हैं उसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड हमेशा करवाइए, और करवाना चाहिए और होता भी है, क्योंकि आस पास बाहर निकलने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। कभी चाय पीछे कर रहे डांस, ये मेरी जैकेट पहने घूम, क्योंकि मैडम को ठंड लग रही है। आज देख तेरी बहन का नाम है कबूतर बन के घूम रहे हो आज। फाइनली कावा आ चुका है, दो कावा और आ रहे हैं। मेरा कावा जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमें मिली थी ना आने की वेलकम ड्रिंक, वो शाय पी गई थी। कितना क्यूट बच्चा है ना। ये बच्चा किसका है? आपका, बोलो। चलो कावा ले लो, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं हो।